नमस्कार, आज हम बनाएंगे साबूदाने का हलवा। बहुत ही टेस्टी हलवा होता है, झटपट बन जाता है और इसे आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। साबूदाने का हलवा बनाने के लिए हमने एक कप साबूदाना धोकर एक घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। इसमें से हम एक्स्ट्रा पानी हटा देंगे। और एक घंटे के अंदर ही हम साबूदाने को इस तरीके से मैश करके देखें तो ये एकदम मैश हो रहा है। अच्छा भीगा हुआ, एकदम फूला हुआ साबूदाना है। हमने ये पैन ले लिया, गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम 4 टेबलस्पून देसी घी। घी को मेल्ट कर लेते हैं और ये भीगा हुआ साबूदाना इसमें डाल देंगे। इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, फ्लेम मीडियम रख लेंगे। इस साबूदाने को हमने लगभग 4 मिनट भून लिया है। थोड़ा बड़ा बड़ा भी दिख रहा है साबूदाना और अच्छी खुशबू भी आ रही है इससे। अब हम इसमें डालेंगे पानी, 1 कप पानी और ये हो गया 2 कप पानी। साबूदाने की मात्रा से हमने दुगना पानी ले लिया है। 1 कप साबूदाना था, 2 कप पानी ले लिया है। अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि साबूदाना अच्छा सा ट्रांसपेरेंट नहीं दिखने लग जाता। फ्लेम मीडियम हाई। इसमें उबाल आ गया है, फ्लेम को धीमा कर देंगे और अब हम इसे लो मीडियम गैस पर ही पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। साबूदाने में पानी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इस पानी में हमें साबूदाने को अच्छे तरह से पकाना है, सॉफ्ट करना है। साबूदाने पक गए हैं, ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं और हलवा भी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। 1/2 कप चीनी लिया है हमने। चीनी आप अपनी पसंद से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमने 25-30 धागे 1 टेबलस्पून दूध में भिगा दिए थे। ये दूध आप केसर की जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं और बिना कलर और बिना केसर के भी हलवा बना सकते हैं। इसे अभी हम लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट और पकाएंगे, जब तक कि चीनी अच्छी तरीके से घुल नहीं जाती। ये थोड़े से बादाम लगभग 1 टेबलस्पून और लगभग 1 टेबलस्पून काजू। इसे मिलाते हुए थोड़ी देर चीनी घुलने तक पका लेते हैं। अब सबसे बाद में 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी इलायची अच्छे तरीके से मिला देंगे। फ्लेम हमने अब धीमी कर ली है। हलवा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बन चुका है। फ्लेम बंद कर देते हैं और हलवा को प्याले में निकाल लेते हैं। साबूदाने का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। इसके ऊपर थोड़े से बादाम फ्लेक्स डालकर इसकी गार्निश कर देते हैं। और हलवा बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसे भूनते समय थोड़ा ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी चलाते हुए भूनना है, कढ़ाई के तले में नहीं लगना चाहिए। पानी डालने के बाद इसे मैश करते हुए तब तक पकाना है जब तक कि साबूदाने अच्छे ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। आप बहुत अच्छा साबूदाने का हलवा बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।